सत श्री अकाल पंजाबी खबरां देखण वाले दर्शकों का स्वागत है। खबरों की शुरुआत तो पहले एक नज़र मार लें सुर्खियों के वल। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी नूं हिरासत में लिया। राहुल गांधी बोले, मैं पीएम मोदी तो नहीं डरदा। मुख्यमंत्री मान ने मस्तुआना साहब च मेडिकल कॉलेज का रखा नींह पत्थर। गुरुद्वारा साहब का सरकार नूं जमीन देने लिए किया शुक्रिया अदा। कोरोना वैक्सीन नूं लैके भड़के बाबा रामदेव ने कहा, टीके दे नां ते लोकां नूं मूर्ख ना बनाया जावे। हुण खबरां विस्थार दे नाल। देश भर विच कांग्रेस पार्टी वालों दिनों दिन बढ़ रही महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा। इस दे चलदियां चंडीगढ़ विच जिथे पंजाब कांग्रेस के वर्करां वालों पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की अगवाई विच प्रदर्शन किया गया। उत्थे ही दिल्ली के संसद भवन के बाहर कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी की अगवाई विच कांग्रेसी वर्करां ने काले कपड़े पहन के मोदी सरकार नूं कोसिया। इस दौरान दिल्ली पुलिस वालों प्रदर्शन दौरान राहुल गांधी नूं अपनी हिरासत में ले लिया गया। इस तो पहला मीडिया नाल गल करदे राहुल गांधी ने कहा कि वह पीएम मोदी तो नहीं डरते ते वह लोकतंत्र नूं बचाउण दे लई काम करदे रहणगे। हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी बोलने दीजिए। जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा जी। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान संगरूर जिले के मस्तुआना साहिब विखे मेडिकल कॉलेज का नींह पत्थर रखने पहुंचे। इस मौके लोगों को संबोधन करते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि संत बाबा अतर सिंह जी की पवित्र धरती है। उन्होंने कहा कि संत बाबा अतर सिंह विद्या के संत मने गए हैं। उन्होंने विद्या का दान लोगों में वंडिया सी ते कहा सी कि आने वाले समय में वो बंदा वड्डा नहीं होगा जिस को जायदाद है जां जिस को पैसे ज्यादा ने, बल्कि भविष्य में वो बंदा वड्डा होगा जिसके बच्चे पढ़े लिखे ने। इस दे नाल ही मान ने गुरुद्वारा साहब की कमेटी का मैडिकल कॉलेज के हस्पताल बनाने लिए 25 एकड़ जमीन सरकार नूं देने लिए धन्यवाद भी किया। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि 31 मार्च 2023 तक यह मेडिकल कॉलेज के हस्पताल पूरी तरह नाल बन के तैयार हो जाएगा। इसकी शुरुआत 75 सीटा नाल की जाएगी। इस तो इलावा बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन लिए बैंकों दी लाइनां च नहीं लगना पवेगा, सगो 1, 2 ते 3 तरीक नूं घर विच ही पेंशन मिलिया करेगी। आटा दाल स्कीम भी जल्द शुरू की जाएगी। किसी वाहन पक्षों साढ़े पिंड बस नहीं आती करके ते किसे पैसे पक्षों भी साढ़े को फीस भरने पैसे नहीं, कोई बच्चा पढ़ाई नहीं छड्डण देनी असीं उन्हां नूं पैसे पक्षों का वाहन। अज इत्थे मैं धन्नवादी हाँ अंगीठा साहब गुरुद्वारा साहब की कमेटी का जिन्होंने 25 एकड़ जमीन सरकार नूं मेडिकल कॉलेज ते हस्पताल ये बनाउण वास्ते सानूं दित्ती है। अज उहदा उद्घाटन होया। दुनिया का इंडिया दा सब तो वधिया नक्शे बनाउण वाले असीं लिआंदे। आज देख सकते हो बाद भावें इतने लगी हुई है ड्रैंग कहोजा होगा। बहुत शानदार बिल्डिंग बनेगी, बच्चे MBBS पढ़नगे, डॉक्टरी की पढ़ाई करनगे,
इस इलाके के बच्चे उन्हां लई स्पैशल सीटां भी रखांगे क्योंकि इस इलाके ने जमीन दित्ती है। थाईलैंड के चौनबुरी सूबे च तड़के एक नाइट क्लब च अग लगन कारण घट्टो घट 13 लोगों की मौत हो गई है ते कई जख्मी हो गए ने। स्वांग रोजाना थमा स्थान फाउंडेशन के एक बचाव कर्मचारी विसारूत पेटचाट ने दसिया है कि अग स्थानक समय अनुसार देर रात करीब 1 बजे नाइट क्लब विच लगी है। इस घटना में 4 औरतों समेत 13 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने दसिया है कि उन्होंने टीम 18 जख्मियों को स्थानक हस्पताल ले गई जिन्हां विचों 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। अग लगन के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इंटरनेट से वायरल हो रही वीडियो फुटेज में लोग सुरक्षा लिए भजदे ते चीकते हुए दिखाई दिए। एलोपैथिक दवाई ते मेडिकल साइंस ते अक्सर हमलावर रहने वाली योग गुरु स्वामी रामदेव ने कोरोना वायरस वैक्सीन के मामले च एक बार फिर एलोपैथी ते निशाना सिधिया। कोरोना वैक्सीन इन्फेक्शन की रोकथाम लई ना काफ़ी दसते हुए रामदेव ने कहा कि वैक्सीन के नाँ ते लोगों नूं मूर्ख बनाउणा बंद होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट दावा किया कि योग ते आयुर्वेद तो बिना कोरोना ते काबू पाउणा संभव नहीं है। इस तो पहला हरिद्वार स्थित रामदेव के पतंजलि आश्रम च उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन्होंने मंत्रिमंडल के कुछ मंत्रियों की मौजूदगी में आचार्य बालकृष्ण का 51वां जन्मदिन मनाया गया। आयुर्वेद के रूप में भारत के आरोग्य से जुड़ी समृद्ध ज्ञान परंपरा पूरी मानवता के लिए कल्याणकारी है। कोरोना जैसी सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आयुर्वेद की शक्ति और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने में हमारी पारंपरिक औषधियों के महत्व को पूरी दुनिया ने महसूस किया है। भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति उपचार मात्र तक सीमित नहीं है बल्कि यह जीवन से जुड़ा एक समग्र विज्ञान है। आज भारत का फोकस आयुर्वेद के क्षेत्र में निवेश, नवाचार और साक्ष्य आधारित शोध को बढ़ावा देने और इसकी प्रामाणिकता व स्वीकार्यता को और अधिक व्यापकता प्रदान करने पर है। आचार्य बालकृष्ण जी के द्वारा इस दिशा में किए जा रहे समर्पित प्रयास उल्लेखनीय है। पंजाब च पशुओं के विच लंपी स्किन वायरस के मामले वधन लगे ने। इस वायरस नाल हुण तक वख-वख जिलों विच 12,000 पशु इनफेक्टेड हो चुके ने। संक्रमण की रफ्तार तेजी नाल वधन कारण पशु पालन विभाग ने सारे जिलों दीआं पशु मंडियां बंद करन दे हुकम जारी किए ने। महकमे मुताबिक हुण तक फाजिलका, मुकसर, बठिंडा, फरीदकोट, हुशियारपुर, नवांशहर, मोगा, फिरोजपुर, गुरदासपुर, तरन तारण, अमृतसर, मानसा, बरनाला आदि विच संक्रमण फैल चुके हैं। पंजाब विच पशुओं च लंपी स्किन वायरस के मामले वधन लगे ने। इस वायरस नाल हुण तक वख-वख जिलों च 12,000 पशु इनफेक्टेड हो चुके ने। दास जथेदार परशोत्तम सिंह फग्गूवाला जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब नूं सनीमर बेनती करते हैं कि दास वालों 6 अगस्त 2020 नूं श्री अकाल तख्त साहिब से पेश होकर सनीमर बेनती की गई थी कि सुखदेव सिंह ढींसा नूं श्री अकाल तख्त साहिब से तलब किया जाए जो दरबार साहब अमृतसर की नकल विरुद्ध होए 2009 के हुक्मनामा लागू नहीं कर रहे हैं। अगर दास की 6 जुलाई 2020 नूं दी दरखास्त से श्री अकाल तख्त साहिब ने गौर फरमाई होंगी तो अज पंजाब सरकार से सुखदेव ढींसा की मिली भुगत नाल नींह पत्थर लाने की हिम्मत नहीं सी पैनी। गुरुद्वारा मस्तूवाण साहब जोड़ा संगरूर से उदे संबंधी जथेदार फगवाण साहब आया लिख के तो कह रहे कि सरकार 25 एकड़ जमीन गुरुद्वारा ट्रस्टिया ने रजिस्ट्री करके उन्होंने करा दिती है तो वो वास्ते जथेदार साहब को मंग पत्र भेजा तो गुरुद्वारे साहब की जमीन इस तरह दान दी जाए। पंजाब विच दिनों दिन प्रदूषित हो रहे वातावरण नूं साफ सुथरा बनाउण लई जिथे पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाणा दीआं टीमां वल्लों अते जिला मोगा दे समाज सेवी संस्थावां दे मोढ़ियां वल्लों वड्डे पद्धर ते किसानां नूं झोने दी पराली ना साड़न संबंधी जागरूक किया जा रहा है जिथे पिछले 4 सालों तो लगातार वातावरण नूं साफ सुथरा बनाउण लई संत गुरमीत सिंह खोसे वालियां वल्लों वड्डे पद्धर ते पौधे लगाए गए ने। उत्थे खोसा, कोटला, खोसा पांडो, खोसा जलाल किसानां नूं भी जागरूक करके पराली नूं खेतां विच नष्ट करन लई अग्गे लियांदा गया जिस दौरान वड्डी गिणती च वख-वख पिंडां दे किसानां ने गुरद्वारा साहिब इकट्ठे होकर प्रण किया कि इस वार कोई भी किसान झोने दे नाल नूं अग नहीं लगावेगा। असीं करीबन श्रीमान संत बाबा फतेह सिंह जी महापुरखां द्वारा जिहड़े निर्देशित कदम ने उन्हां नूं अग्गे लैके चलदिआं होइआं कदम दर कदम जिहड़ा साडी आवो हवा हैगी है जिहदे हवा पाणी खुराक है तिन्हां दे प्रेजेंट जिहड़ियां दरपेश समस्यावां ने उन्हां नूं किवें हल कीता जाए जतन करदे रहिंदे आ। उन्हां जतनां विचों क्योंकि किसान वो अन्नदाता हैगा जिहदे राहीं पूरे संसार का पेट भरदा पर दुखांत यह हैगा
भी जिवें जिवें सानूं नॉलेज मिलती जाती है कई बार असी नॉलेज की जिहड़ी योग वरतों है उहदे लई योग ढंग ते योग वसीले जिहड़े हैगे ने उह मुहैया नहीं करवा पाउंदे हैगे। दफ्तरी कार्यभार अपने तरह ना चले जाते हैं तो किसानों दी मजबूरियां अपने तरह ना एक नवें ही जिहड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। उहदे लई असी खोसा कलस्टर विच लगभग 2016 तों लैके इह जिहड़ा कामकार कर रहे हैगे आ। अज तो पहला दिमागी बीमारियां दे इलाज लई गुरदासपुर दे लोकां नूं अमृतसर दा रुख करना पैंदा सी क्योंकि इत्थे कोई भी चंगा दिमागी रोगां दा सेंटर नहीं सी पर हुणे कमी दूर हो गई है। कॉलेज रोड ते रुपिंदर न्यूरोसाइट्रिक सेंटर दा उद्घाटन आम आदमी पार्टी दे हलका गुरदासपुर दे इंचार्ज रमन बहल वल्लों कीता गया। इस मौके ते गुरदासपुर दे सिविल सर्जन डॉक्टर हरभजन मान ने विशेष तौर ते शिरकत कीती ते डॉक्टर रुपिंदर कौर बब्बर नूं न्यूरोसाइट्रिक सेंटर खोलण ते वधाई दित्ती। अज असी इत्थे डॉक्टर रुपिंदर न्यूरोसाइकेट्री सेंटर की शुरुआत की है। ये साढ़े जिले का पहला न्यूरोसाइकेट्री सेंटर है जिद असी दिमागी परेशानियां ते मनोरोग का इलाज करांगे। इस तो पहला इन्हां रोगों के वास्ते मरीजों को अमृतसर ते पठानकोट वर्गे शहरों में जाना पैंदा सी। बेसिकली साढ़े ये बॉर्डर जिले के इन्हां रोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है। जिवें कि तुसीं जानते हो मानसिक रोग अजकल वधदे जा रहे हैं स्ट्रैस के करके ते होर परेशानियां करके ये जो स्ट्रैस मेनली जो है वो करके रोग जो है बहुत बढ़ गए हैं। ईवन छोटे छोटे बच्चों के डिप्रैशन एंगजाइटी की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है पर इन्हों का इलाज साढ़े जिले में ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। उस करके असी एक अपने जिले के एक सहूलत लोगों के वास्ते लैके आए हैं तो असी अपने न्यूरोसाइकेट्री सेंटर में डिप्रैशन एंगजाइटी तो साइकोसिस इस तरह हैडेक माइग्रेन ईवन दौरे का इलाज मिर्गी के दौरे तो नॉन एपिलेप्टिक सीजर इस तरह की परेशानियों का इलाज लैके आए हैं। गुरदासपुर पुलिस के अधीन पैंदे थाना कानूवान के पिंड भूषा विच एक घटना सामने आई है। इस घटना विच कुछ नौजवान बलैरो गड्डी ते सवार होकर आउंदे ने ते गली विच एक घर सामने खड़े कुछ नौजवानों विचों एक नौजवान नूं लत्तां तों फड़ के घड़ीस के चलदी गड्डी विच बिठाउण की कोशिश करते हैं जिस विच सड़क दीआं रगड़ां लगण नाल नौजवान जख्मी हो जांदा है पर बलैरो गड्डी सवार नौजवानों की पकड़ विचों अपने आप नूं छुड़वा लैंदा है। उत्थे ही यह घटना सीसीटीवी विच कैद हो गई है। जख्मी नौजवान ते उसके पिता के बयानों के आधार पर पुलिस वालों तफ्तीश के नाल नाल अगली कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आम आदमी पार्टी वालों पूरे पंजाब विच 15 अगस्त नूं 100 मोहल्ला क्लीनिक खोले जाएंगे। इस संबंधी जानकारी देंदे आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान कश्मीर सिंह वाला ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अपने किए हुए वादे पूरे करते हुए 15 अगस्त नूं आजादी के शुभ दिहाड़े से लोगों नूं 100 मोहल्ला क्लीनिक खोल के दिए जाएंगे जिस नाल आम लोगों नूं बहुत ज्यादा फायदा होगा जिस विच 40 के करीब टेस्ट फ्री किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लीनिका ने खुलन के नाल लोगों नूं काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा तो लोग अपनी छोटी तो छोटी बीमारी लिए फ्री टेस्ट करवा सकेंगे। कोविड तो ठीक होने बाद कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस नंगल के सतलुज सदन पहुंचे जिथे उन्होंने लोगों दी मुश्किलां सुनदिया कहा कि उन्होंने पता है कि नंगल ते हिमाचल तो आने वाले लोग फ्लाईओवर से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के कारण दुखी ने। उन्होंने कहा कि इस संबंधी उन्होंने केंद्र के मंत्रियों नाल गलबात हुई है तो बहुत जल्द इस फ्लाईओवर के काम में तेजी लिया जाएगी। इस खबरों का सिलसिला इतने समाप्त होंदा है। नवीं ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत। धन्यवाद।